वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर ई क्लास ऑफ विजडम प्लस टू साइंस कॉलेज और विजडम हायर सेकेंडरी स्कूल। पाने समस्त वीडियो जो वीडियो गुड़ी को तुमको पठा जाऊँगी अबाउट माय सब्जेक्ट मो कथा जब मुझे कहि ए वीडियो गुड़ी को आशा रखी तुम निश्चित देखु आदि किसी डाउट थाए तुम मैंने डाउट मत पचारि पार। द्वितीय कथा यही सप्ताह मुझे चेष्टा करुच्ची कॉलेज रु परमिशन नहीं कि हम जदि वेडनेसडे नहले थर्सडे दिन मुझे गोटे जूम क्लास जूम कि गूगल मीटर क्लास गोटे रखी व्हिच विल बी इनफॉर्म्ड यू वेरी सून जो तुमको खूब शीघ्र जन दिजिव आई जूम क्लास रे आम आज पर्यंत पढ़ा जाइथिबा जेकोणसी टॉपिक उपरे आम डिस्कशन कर बेसिकली आम देखा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उपरे तुम मान कौन डाउट अच्छे से विषय में डिस्कशन करवा जहाँ भी हो तो पे आज आम पाठपढ़ा स्टार्ट करवा। लास्ट क्लास रे आम पढ़ी व्हाट इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड व्हाट आर द स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन लास्ट रे आम पढ़ी एसिड अर्थ एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी ये चार पॉइंट आम पढ़ी तापर आम आरंभ करूँ कमांड स्टार्ट करवा। प्रथम कथा हूँ से कमांड कौन केत प्रकार कमांड अच्छी ये सब विषय में डिटेल डिस्कशन करवा तेना आज आम स्टार्ट कर पाने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रे आम कमांड गुड़िक विषय में पढ़ा तेनाली आज हेडिंग करवा कमांड। पाने देख आम जान रखा दरकार कमांड कौन ना कमांड मीन्स यदि आम एक्जाक्ट डेफिनेशन को जीवा इट इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आम अति सहजरे कही पार इट इज ए वर्ड इट इज ए प्री डिफाइंड वर्ड इट इज ए प्री रिटन वर्ड डेवलप्ड बाय द डेवलपर टू वर्क विथ द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रो जदि एग्जांपल नबा आम एसक्यूएल नहीं पार माइ एसक्यूएल नहीं पार एम एस एक्सेस नहीं पार आम सिलेबस जो पाठटी अच्छे कौन से माइ एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लांगुएज ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लांगुएज क्वेरी मान कौन व्हाट यू मीन बाय क्वेरी क्वेरी मीन टू आस्क द क्वेश्चन आम क्या जन गोटे क्वेश्चन पचार जमीका जिते ट्रेन स्टेशन जाऊ कि जेको जगह को जाऊँ ट्रेन स्टेशन में पहुंच जो इनक्वारी ऑफिसर अच्छा इनक्वारी काउंटर अच्छे से काउंटर आम जा पचारूँ आज्ञा धौली एक्सप्रेस केत लेट्रे आसवा राजधानी एक्सप्रेस केत पहुँच इट इज ए क्वेश्चन ये क्वेश्चन टी आम पचारूँ पचारा सी अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन दैट पर्सन और दैट ऑफिसर से ही ऑफिसर जन कौन कर सर्च कर डाटा अकॉर्डिंग टू माय क्वेरी मुझे राजधानी एक्सप्रेस केत घंटा लेट अच्छे सी के धौली एक्सप्रेस कथा चिंता करूना मुझे जो पचार राजधानी एक्सप्रेस कथा से राजधानी एक्सप्रेस डिटेल्स क्वेरी कर फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आफ्टर सर्चिंग द क्वेरी मत से पचार कहते आपंकर जो राजधानी एक्सप्रेस इट इज रनिंग इन अबाउट 15 मिनट्स लेट 15 मिनट लेट्रे चलती कि 15 मिनट लेट्रे पहुंचे सी मत दौर तो से भाया आम जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करें कौन कहलु रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज ए मेकानिज्म और इट इज ए कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर इन व्हिच वी कैन स्टोर द डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे एंड एट द टाइम ऑफ आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इजिली एक्सेस इट देन हाउ वी विल एक्सेस द डाटा फ्रॉम द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना आमको केमी डाटा एक्सेस करने पड़ो ना डाटा एक्सेस करने आमको किसी क्वेरी लिखा पड़ो क्वेरी मैंने कौन मत किसी क्वेश्चन लिखा पड़ो से क्वेश्चन को बेस करके रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रो डाटा एक्सेस कर मत माइ एसक्यूएल प्रोवाइड कर तेणु तुम को सर आज का डेट्रे तो सब हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ये आपड़ लिखा कहीं पड़ो आप गोटे पर्टिकुलर जगह क्लिक कर दूना पर्टिकुलर जगह क्लिक कले कमांडा गोटे फिक्स कमांड हो रही है कि चाहिए मो इच्छा अनुसार मुझे सर्च करा चाहती मो रिक्वायरमेंट अनुसार मुझे सर्च करा चाहती तेना मो रिक्वायरमेंट अनुसार जब मुझे सर्च करा चाहिए तेल आई हैव टू राइट द क्वेरी तेनाली क्वेरी लिखापाई किसी कमांड शिखा पड़ो कहीं आम जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि माइ एसक्यूएल कथ कौ माइ एसक्यूएल कौन हो माइ एसक्यूएल गोटे
कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशन व्हेयर यूजर हैज टू टाइप सम कमांड इन कमांड लाइन। यूजर को किसी कमांड लिखा पड़ो से कमांड लाइन इंटरफेस रे लिखा पड़े। तुम समस्त फर्स्ट ईयर पढ़ी चो फर्स्ट ईयर में MySQL ओपन करथुल पिला माने तुम समस्त भलो की लक्ष्य करो एबडे गुटे स्क्रीन टा हम पाखरे आसुला आ स्क्रीन रे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन थिला आ एही जगह रे MySQL लिखा होतला एही जगह रे MySQL लिखा होतला तो एही जगह रे हम MySQL लिखा होतला हम क्लिक करथुला हमर आसुला एबडे MySQL लिखा होतला एबडे गुटे पॉइंट थिला आ एटी गुटे कर्सर पे ब्लिंक करथुला ए जो जिनसा जी ब्लिंक करे दब 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 करे आम कौन कहू ना इट इज कॉल्ड कर्सर CURSER व्हिच शोज द करंट पोजीशन ऑफ द यूजर व्हिच शोज द करंट लोकेशन ऑफ द यूजर इट मीन व्हेयर द यूजर इज वर्किंग व्हेयर द यूजर स्टेज दैट विल बी डिस्प्लेड बाय द कर्सर कर्सर से गुडी को डिस्प्ले करे बुझिला एटा को हम कर्सर बोली कहू आ एटा को कौन कहे MySQL गोटे ग्रेटर देन सिंबल कौन कहते हैं टोटल कहुटाल पिला मैंने कह जाए कमांड लाइन मन रखिए कौन कह जाए कमांड लाइन तेणु MySQL गोटे कौन कह जाए ना कमांड लाइन इंटरफेस अर्थ विथ द हेल्प ऑफ ए कमांड लाइन यूजर हैज टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और MySQL सहित यूजर को कम करने कमांड लाइन हेल्प जरिया हेल्प नहीं कम करने पड़ो यूजर को किसी कमांड टाइप करने पड़ो यूजर जो कमांड टाइप कर से कमांड टाइप कर सारा इफ द कमांड्स आर करेक्ट और इफ द कमांड इज करेक्ट देन अकॉर्डिंग टू द कमांड द MySQL विल रिसीव इट एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम्स आफ्टर फ्यू सेकंड्स इट विल प्रोवाइड यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इनसाइड द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यदि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रे करेक्ट इन्फॉर्मेशन गुड स्टोर करथिबो प्रॉपर मेकानिज्म यूज करके स्टोर कर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर रे स्टोर कर जितेबाला तुम्हें कमांड लिखो से कमांड टाक क्वेरी हिसाब से ग्रहण कर ग्रहण कर सारापर MySQL प्रोवाइड कर MySQL रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रु डाटा एक्सेस कर प्रोवाइड कर प्रोसेस रे काम चलो तेणु आम आज पढ़ा यू तो आम कमांड लाइन कहू तेणु बर्तमान शिखा को व्हाट इज ए कमांड कमांड क्या कहुए पिला माने कमांड कमांड डेफिनेशन को जीवा कमांड इज ए प्रीडिफाइंड वर्ड व्हिच इज डेवलप्ड बाय द डेवलपर एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग द लैंग्वेज जेतेबेले MySQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का डेवलप हेछि सेतेबेले जो माने डेवलपर से डेवलपर माने सेले कोन करथिन कि कमांड से माने प्रीडिफाइंड कमांड दे प्रीडिफाइंड माने कोन ना आगुरु क्यारी हिसालथि आमे केवल यूज करिवा वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विथ दिस कमांड ये कमांड गुड़िक सहित आम कौन प्रकार मॉडिफाई मॉडिफिकेशन वर्क करा ना तेनाली मॉडिफिकेशन वर्क कर बट द कमांड्स आर फिक्स वी हैव टू यूज इट आम केवल यूज करा तेनाली कमांड गुड़िक यूज करा कि आम मन रखा दरकार जो कमांड गुड़िक यूज कर मन रखे पे मैंने MySQL इन MySQL द कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव एगुड़ी केस सेंसिटिव नुह केस सेंसिटिव माने कौन If you are typing the commands in small letter or if you are typing the commands in capital letter, then no problem will be there. कौन सी problem से क्या आसीबा नहीं? किसी language अच्छा नहीं, जैसे कि programming language गुड़ी को अच्छा नहीं, like Java, C++, these commands are these are the languages which are called case sensitive language. That means if a letter is there which will be written in the capital letter and if you are writing the that word in small letter then there will be the problem error will be displayed there jodi konosi word achi ta ko tumhe capital le likhiwa katha but you have to but tumhe sethi kon korte ta small letter likhi deicho then the compiler will not recognize that command that word so the compiler will display the error sei jagare compiler tumko error achi boli display kariyo but here in MySQL it is not a case sensitive language like html you have to write the commands in correct spelling and but whatever you are writing in you can write in small letter you can write in capital letter no problem will be there kono si problem se jagare asibo nahi so pila mane mona rakhibo and game command bisoy re padhiba so ei command sadharan to MySQL le command kon koha jae na MySQL means it is command means it is a predefined word and every command pratyek command each command or every command pratyek command kon kare na pratyek command has a particular meaning pratyek command ra gote particular meaning achi and you have to use that command in that purpose sei purpose re amku command ta ko use kariya ko padibo there is no such command which can
यूज्ड एवरीवेयर सेमती कौनसी कमांड ना जेटा कि चारिआडे यूज हेई परबो सेमती कौनसी कमांड ना जहाँ भी कमांड अच्छे से कमांड गुड़ी को तुमको यूज करिया को पड़ो इन ए प्रॉपर ऑर्डर तुमको यूज करिया को पड़ो तेणु आज हम देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमांड अवेलेबल इन MySQL मन रखे पिला माने इन MySQL देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कमांड मन रखिबो इन MySQL देयर आर फोर टाइप्स ऑफ चार प्रकार कमांड MySQL ले अछि से कमांड गुड़ी को हमें डिस्कशन करिया प्रथम कमांड आसला कौन पिला माने DDL सेकंड कमांड कौन आसीबो ना फर्स्ट कमांड आसला DDL सेकंड कमांड आसला DML थर्ड कमांड आसला कौन TCL एंड लास्ट कमांड इज कॉल्ड DCL चारिटा कमांड अच्छी DDL DML TCL आउ DCL तेणु DDL ला फुल फॉर्म जो आम लिखा जावा तो पिला माने DDL ला फुल फॉर्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नुह एटा लिखिबो नाही DDL ला फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आउ थे लिखीद डाटा डेफिनेशन बोधहुए लास्ट क्लास पढ़े आउ थे रिपीट कर दूसरी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एटा को डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोली कहा जाए आउ DML फुल फॉर्म जो लिखा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नंबर थ्री है कौन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आउ थर्ड है कौन ना डाटा कंट्रोल लैंग्वेज चारि प्रकार जो लैंग्वेज अच्छी पिला माने लैंग्वेज विषय पढ़ा प्रथम है DDL व्हिच स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DML which stands for data manipulation language TCL which stands for transaction control language aur DCL which stands for data control language ei charita bishoy re padhiba tebe prathome ami discussion arambha kariba DDL lu start kariba artha data definition language kon se bishoy re ami detail discussion kariba to prathome asla jo data definition language pila mane kahili e data definition language kon na pila mane mone rakhibo data definition language re ए जो वर्ड डेफिनेशन ए जो वर्ड अच्छे डेफिनेशन इट परफॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशन तीन टा सेपरेट ऑपरेशन ता भीतर करा जाए मन रखिबो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इन डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज द वर्ड डेफिनेशन इनक्लूड्स और परफॉर्म्स थ्री सेपरेट ऑपरेशंस व्हिच आई एम राइटिंग हियर जडा मु गुटो गुटो कर लिखु छी फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रिएशन नंबर 2 इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड डिलीशन मन रखे पे आम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज रे तीन प्रकार काम करिपरिबा गोटे है क्रिएशन गोटे है मॉडिफिकेशन गोटे है डिलीशन तेणु प्रथम देखा क्रिएशन कौन मॉडिफिकेशन कौन आउ डिलीशन कौन तेनाली क्रिएशन अर्थ कौन ना मन रखे पे विथ द हेल्प ऑफ DDL कमांड वी कैन क्रिएट द डाटाबेस वी कैन क्रिएट द डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन अर्थ सृष्टिकर्ता ये तीन टा जिन सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता बुझीपारा काम ये विथ द हेल्प ऑफ DDL कमांड व्हाट आर द कमांड्स इनक्लूडेड इन दैट ग्रुप वी हैव टू परफॉर्म थ्री ऑफ सेपरेट ऑपरेशन फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज क्रिएशन फ्रॉम व्हिच DDL कमांड वी कैन क्रिएट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वी कैन क्रिएट ऑल ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट तार जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट गुड़िक अच्छे जहाँ जहाँ कंपोनेंट्स गुड़िक अच्छे से कंपोनेंट गुड़िक हम क्रिएट करिपरिबा विद द हेल्प ऑफ DDL कमांड नेक्स्ट कमांड इज कॉल्ड इज मॉडिफिकेशन व्हाट डू मीन बाय मॉडिफिकेशन ना विद द हेल्प ऑफ DDL कमांड वी कैन मेक द मॉडिफिकेशन वर्क अर्थ मॉडिफिकेशन वर्क माने कौन आम जो गोटे घर तैयारी करदे कांथटा भांगी देखिए आउ गए डिजाइन रखिए बल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन वर्क कैन ऑल्सो बी पॉसिबल इन DDL ग्रुप ए DDL ग्रुप जो कमांड गुड़िक अच्छे जिते प्रकार मॉडिफिकेशन काम अच्छी से सब जगह मॉडिफिकेशन काम कर नेक्स्ट आसा डिलीशन व्हाट डू मीन बाय डिलीशन ना इफ सम नेसेसरी थिंग्स आर देयर जदि इफ सम अननेसेसरी थिंग्स आर देयर इफ सम वेस्टेज थिंग्स आर देयर आम चाहिए से गुड़ी को डाटाबेस रिमूव कर इफ वी हैव ए टेबल एंड दैट टेबल हैज अननेसेसरी कलम जदि आम पाखे गोटे टेबुल अच्छे से कलम गोटे अननेसेसरी सॉरी आम पाखे गोटे टेबुल अच्छे से टेबुल गोटे अननेसेसरी कलम अच्छी व्हिच इज नॉट यूजफुल फॉर अस जेटा कि आम एकदम अदरकारी
तो सेगुड़ आम कौन करगुड़ चाहिए आम रिमुव कर गोटे टेबुल आमर दरकार ना टेबुलटा को रिमुव कर गोटे डाटाबेस आम क्रिएट कलु से आम कम सरगल आउ दरकार ना से डाटाबेसटा को रिमुव कर ऑल दिस टाइप ऑफ डिलीशन वर्क कैन ऑल्सो बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिलीशन ऑपरेशन तो मन रखे पे डीडीएल तीन टा काम हुए क्रिएशन मॉडिफिकेशन डिलीशन डिलीशन ए तीन प्रकार काम हुए वर्तमान देखिबा ए डीडीएल ग्रुप रे मन रखिबा ए जो चारटा ग्रुप कहली डीडीएल डीएमएल टीसीएल और डीसीएल ए चारटा ग्रुप रे किछ किछ कमांड अछि हमको से ग्रुप अनुसार कमांड गुडी को मन रखिया पड़िवो सो दैट वी कैन इजीली रिमेंबर इट तो फर्स्ट देखिबा डीडीएल ग्रुप रे कोन कोन कमांड अछि से कमांड बिषय रे स्टार्ट करिया फर्स्ट कमांड आसला कोन ना फर्स्ट कमांड आसला सो एस एच ओ डब्ल्यू लास्ट क्लास रे पढ़े दिली टिके ये अर्डर टाइम अलग आउ थे मूल कौन फर्स्ट कमांड हूँ सो व्हाट इज द रोल ऑफ सो कमांड ना सो कमांड इज यूज्ड आज आज जो मुझे पाठटा पढ़े तुमको पे सिंटैक्स सहित एग्जांपल लिखने भी आशा करी एगुड़ी तुम करेक्ट भाव में खाता को तुम वीडियो देखला समय एगुड़ी खाता को तुम नोट्स करनेबो अदरवाइज तुम हैरान हो ए बर्ष पाठपढ़ा सिस्टम टी अलग अच्छी तेणु जहाँ सिस्टम चाहूँगी जहाँ नेचर चाहूँगी आपको से नेचर अनुसार जीवाक पड़ो मो कथा अनुसार नेचर चेंज हो नहीं मत नेचर अनुसार मत चेंज होगा पड़ो बुझे पे तेणु आम जो सो कमांड अच्छे सो कमांड राम कौन लेख पे सो कमांड राम है दिस कमांड इज यूज टू सो द एक्जिस्टिंग डाटाबेस एंड existing tables in a relational database management system gude relational database management system jenti mysql koile e mysql le jodi gude database gude tumhe database create kari sarcho but tumhe pauno seta kou jagar achi kou na are achi he to se jagare tumhe show command use kari paribo to find out that database or jodi tumhe gude table taiyari karcho से गोटे डाटाबेस भितर से टेबुलटा कौन तुम जान तो से जगह भी तुम सो कमांड यूज करो नंबर ऑफ टेबल्स इन साइड ए डाटाबेस गोटे डाटाबेस भितर जब एक अधिक टेबुल क्रिएट करो टेबुलटा तुम कौन टेबुल की डाटा रखो ये सब विषय जब जाना चाहो टेबुलटा को सर्च करा चाहो तो तुम्हें से जगह सो टेबुल कमांड यूज कर तेणु बर्तमान पे आम लिखने आउ थे तुमको डाकि डाक दूसरी लिखने दिस कमांड इज यूज और सो कमांड इज यूज टू display the existing database or existing tables in a database gude database kete database hoche ki ma existing database tiyari sari je gudiko ki ma kono si table jodi tiyari sari se gudiko bisoye ame confirm hoba pai ame jo command ta use kariba se command ro na hala so command au tar syntax se lekhiba pila mane it is very important to remember the syntax otherwise you कौन हम ना तुम से जगह तुम कमांड गुड़ को भूली जीव तेणु कमांड सो कमांड जी इंपोर्टेंट आम कमांडा जी इंपोर्टेंट तार सिंटैक्सटा से इंपोर्टेंट तार एग्जांपलटा से इंपोर्टेंट सिंटैक्सटा मन रही गले तुम एग्जांपलटा सहजे लिखिपार तेणु तार सिंटैक्सटा ये हम MySQL इट इज ए प्री डिफाइंड वर्ड प्री डिफाइंड कमांड लाइन सो इट ऑलवेज कम्स बिफोर राइटिंग द कमांड कमांड लिखा पूर्व यहाँ तुमको प्रथम लिखा पड़ो तो MySQL सो कमांड कौन आसो ना लिखा जा सो सो database. तो सो डाटाबेसेस हमें लिखिले सो डाटाबेसेस लिख सारा सी किसी डाटाबेस डिस्प्ले कर एंड इट विल बी इजियर टू फाइंड आउट व्हिच डाटाबेस इज योर्स तुम से डाटाबेस कौन डाटाबेस तुम्हें सहजे बात कर जापर तेनालीराम डाटाबेस जानापुर आदि तुम्हें तार टेबुल विषय जानापी चाहो तेरे कौन लिख ना टेबुल विषय जानापाइले ये सो डाटाबेसेस लिखिच से लिख सो टेबुल कौन सो टेबुलटा गोटे डाटाबेस भितर को एंट्री कर सारापर तुम यूज कर सो टेबुल देले कौन हम ना हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टेबल्स आर क्रिएटेड इन साइड ए डाटाबेस दैट विल बी डिस्प्ले सी कौन कर जितकी टेबुल अच्छी से टेबुल गुड़िक डिस्प्ले करदेव एक्चुअली केते नंबर ऑफ टेबुल अच्छी दिस इज ऑल अबाउट द सो कमांड एंड सो टेबुल अच्छा पिला माने ए गुटे तुमको कथा कहिया को भूली भूली हुए तो तुम मन थी फर्स्ट इयर तुमको पढ़े थी
এই যে কমান্ডটা মু ইউজ করি এই কমান্ডটাকে কোন কোন জানছো পিলা মানে দিস সিম্বল ইজ কলড সেমিকলন তার না হচ্ছে কোন সেমিকলন সেমিকলন বাট হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল নেম অফ দি দিস সিম্বল ইন রিলেশনাল ডেটাবেস অর ইন মাই মাই এসকিউএল মাই এসকিউএল তার রোল কোন কোন পে তাকে ইউজ করা যায় মনে রাখিব দ্যাট 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 সিম্বল ইজ কলড এজ স্টেটমেন্ট টার্মিনেটর ইন মাই এসকিউএল ইট ইজ কলড এজ স্টেটমেন্ট টার্মিনেটর হুইচ ইজ ইউজ টু এন্ড A statement. When I am writing some statements, मुझे तो लग किसी लेखा लिखूँची, किसी statement लिखूँची. If I want to close that statement, मुझे तो सहज करे से statement को close करने को चाहूँची. Then first I have to use the symbol semicolon. Then I have to press the enter key. Then the computer will confirm that the user wants to close the statement here. User सहज करे से statement close करी बोली. User चाहूँची तेरे को computer तक recognize करी बोली. जत्ते पर जन्तो. तुम्हें सेमिकलर सिंबल न दे खाली एंटर की प्रेस कले भी कंप्यूटर विल नॉट रिकॉग्नाइज यू बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट फाइंड दैट सिंबल फ्रॉम व्हिच ए स्टेटमेंट कैन बी टर्मिनेटेड गोटे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने जो सिंबल टा यूज करा जाए से सिंबल टा पाइब ना से पर्यटन पाइब ना से पर्यटन तुम जत पर्यटन देन से पर्यटन से स्टेटमेंट को क्लोज कर पार ना एंड जब तुम खाली कह सर एंटर की प्रेस करवा देन इट विल गिव यू ऑलवेज ए न्यू लाइन सब गुट तुमको नुआ लाइन प्रोवाइड कर दिस इज ऑल अबाउट সো কমান্ড পরে নেক্সট কমান্ড আসিলা ক্রিয়েট কমান্ড তো নেক্সট কমান্ড পিলা মানে আমি পড়িবা নেক্সট কমান্ড হেলা কোন আমি সেকেন্ড কমান্ড কো আসিবা সেকেন্ড কমান্ড হেলা ক্রিয়েট সি আর ই এ টি ই ক্রিয়েট আমি সাধারণত লিখি দাও পিলা মানে ইংলিশ রে সি আর ই এ টি বাট হিয়ার The command is create. Sir, तो हमारे को भी तेरे क्वेश्चन आते पड़े। सर आपने ठीक कहीं कैपिटल लेटर लिख लिया ना? सेंटी किसी नहीं। कहीं की कैपिटल लेटर लिख ली, तो मैं स्मॉल लेटर भी लिख पड़ी वो। कैपिटल लेटर भी चाहे ले लिख पड़ी वो। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर तो मैं जहाँ भी लिख कुछ से गुड़ी को मने रखी वो जे जे स्पेलिंग टा करेक्ट हवा दरकार नॉलेज सब जाक भूले जीवो है ना कि कंप्यूटर टा को रेकग्नाइज से कमांड टा को रेकग्नाइज करिबो नाही तो प्रथम देखबा ए क्रिएट कमांड रो काम करा लेखो पिला माने This command is used to create a new database. गुटे नुआ डाटाबेस क्रिएट करिया पई हेले हमको क्रिएट कमांड रो हेल्प नवाक पड़ियो देखियो पड़ियो तार सिंटैक्स केमति एबे कोन करबा एबे पिला माने हमें सिंटैक्स लिखिबा तो सिंटैक्स जतबले क्रिएट कमांड रो हमें सिंटैक्स लिखिबा सिंटैक्स टा केमिति होबो देखो फिर प्रथम कथा कहि सारछि जे माई एसक्यूएल इज ए प्री डिफाइंड वर्ड सो हियर इट विल बी रिटन बिफोर द राइटिंग ऑफ द कमांड तो माई एसक्यूएल लिखले लिखला पर लिखिबा क्रिएट डाटाबेस टू एंगल ब्रैकेट भितरे लिखिबो डाटाबेस नेम तापर सेमिकलन सिंबल दबो तापर एंटर की प्रेस करिवो बुझियला पिला माने आउटर लिखि दउछि एटा डाटाबेस नेम लिख सला पर लिखिबो सेमिकलन सिंबल तापर एंटर की प्रेस करिवो देखा उतरे बोल कि लक्ष्य करो आमे क्रिएट कमांड रो सिंटैक्स जदि लिखिबा ताले तर एमिति लिखा उछि जे क्रिएट डाटाबेस नेम तापर सेमिकलन सिंबल एंटर तेनो एई जगह रे ई जो क्रिएट डाटाबेस क्रिएट आउछि कमांड जेहेतु आम डाटाबेस क्रिएट करेटाबेस लिखिलु आउ जो एंगल ब्राकेट भितर पे लिखी डाटाबेस नेम तो मन रखा तुमको बारंबार कही दिए जे एंगल ब्राकेट भितर लिखार अर्थ दट इज द प्लेस व्वेर यूजर कैन एंटर द भैल्यू जो जगार यूजर भैल्यू एंटर कर मान नुहे पे उल्टा बुझे पे भावती जे आमको डाटाबेस नेम टा एंगल ब्राकेट भितर लिखा पड़ो ना पे दिटा जगह एंगल ब्राकेट देखी ना बिकज एटा समस्त सामान बट ये एंगल ब्राकेट भितर दबार अर्थ से जगह यूजर को भैल्यू एंटर करिया पड़ो एंड दि भैल्यू विल बी दि भैल्यू डिफर्स फ्रॉम यूजर टू यूजर गोटे यूजर जो राम दे गोटे यूजर कौन साम दब आ गए यूजर हरी दब तेनाली ना तुम्हें दे पार एज ए डाटाबेस नेम बट रिमेम्बर वन थिंग तुम जो जहाँ विषय जो बाबद डाटाबेस टाइम या ना गुड़ यूज कर राम साम जदू मधु ये नेम यूज कर ना तो जो ना टे यूज करो दैट नेम शुड बी द करेक्ट वन से विषय में तुम्हें चिंता कर आम जो एग्जांपल लिखा जाए एग्जांपल लिखा जाए माई एसक्यूएल तो कन्फर्म रहा
आमे कौन लिखिबा ना क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस ना कौन दबा ना डाटाबेस ना दे दबा विजडम विजडम सेमिकोलन एंटर। देखो पिला माने एठी विजडम टाको मु एंगल ब्रैकेट भितरे रखिले नै काकि दैट इज द वैल्यू व्हिच इज एंटर बाय मी जोटा को मु एंटर करली। आउ जदि सिंटैक्स लिखला बेले केवल एंगल ब्रैकेट दिया जिवो किंतु तमे जतले एग्जांपल लिखिबो कोनोसी एंगल ब्रैकेट दिया जिवो नाही। तुम्हें डाटाबेस नेम जगह तुम जो ना डाटाबेस क्रिएट करा चाहो से नाटा तुम से लिख बट एंगल ब्रैकेट दबो ना सेमिकोलन एंटर सिंबल दबो ये आम गोटे डाटाबेस क्रिएट कर पाने डाटाबेस क्रिएशन जो कमांड थी क्रिएट कमांड से कमांड शिखीगले नेक्स्ट कमांड को जीवाटा समस्त मन रख आउे तुमको गोटे मिनिट समय दूसरी पिछले भल भाव में लिखे नियो कमी लिखाई भल भाव तुम देखिक लिख गोटे कमांड को जीवा तीन नंबर कमांड को जीवा से कमांड टी कौन से विषय में चिंता करिबा। नेक्स्ट कमांड आसला तीन नंबर कमांड और से कमांड टा हला कौन यूज पिला माने मन रखो कमांड होची यूज व्हाट इज द रोल ऑफ यूज कमांड। लेखो प्रथमे दिस कमांड इज यूज this command is used to open the database, to open the existing database. onus gute existing database ko open kariya pai hele jodi ame database ta create kari sarichu ta ko open kariya pai hele amku jo command ta use kariya ko padibo se command hela kon use command hela tero tar jodi syntax ame lekhiba jodi use command ro syntax ame lekhiba tale syntax ta ei bhaliya hobo mysql MySQL use एंगल ब्राकेट भितरे लिखिबो डाटाबेस नेम एंगल ब्राकेट भितरे लिखिबो डाटाबेस नेम ठीक अछि। आउ तार जदि एग्जांपल लिखिया को जीवो MySQL use डाटाबेस नेम कोन दबा जो डाटाबेस टा क्रिएट हेतिला विजडम जो डाटाबेस टा क्रिएट हेतिला सही समान डाटाबेस टा को हमको ओपन करिया को पड़िबो बिकॉज दैट इज एन एक्जिस्टिंग डाटाबेस सो आई हैव टू यूज द डाटाबेस व्हिच हैज ऑलरेडी क्रिएटेड जो डाटाबेस टा ऑलरेडी क्रिएट हे सारी सही डाटाबेस टा को हमको ओपन करिया को पड़िबो तेन हमको लिखे पड़ियो यूज डाटाबेस नेम आ एग्जांपल हला यूज विजडम तेन पिला माने तमे भीतर क्वेश्चन आसी पारे सर त हमें डाटाबेस टा को क्रिएट करले हाउ और व्हाई I will open it. मुझे तो कहाँ की open करी भी? देखो पिला माने। प्रथम को तो आप मैं पढ़ी थी लेकिन मैंने पकाओ। ये database is called collection of tables. मैंने बोल दिया ना नहीं? Tables. Table is called collection of records. Record is called collection of field. ये term बुड़ी को आप मैं पढ़ी थी लेकिन। तो ये जो term बुड़ी को पढ़ी थी लेकिन तो प्रथम में क्या रहेगा? Database का रहेगा। तो डाटाबेस भीतर गोटे टेबुल क्रिएट करिया कहले प्रथमे डाटाबेस टाको क्रिएट कर सारिकी वी हैव टू मूव एंटर वी हैव टू एंटर इनटू इट आमे ता भीतर को पसिया को पड़िबो से डाटाबेस टाको ओपन करिया को पड़े विदाउट ओपनिंग इट वी कैन नॉट क्रिएट द टेबल्स इनसाइड ए डाटाबेस। गोटे डाटाबेस भीतर हमको टेबुल क्रिएट करिया कहले प्रथमे डाटाबेस टाको ओपन करिया को पड़िबो तो एठी जो लिखाला जो आमे यूज डाटाबेस दिस कमांड इज यूज्ड टू ओपन द डाटाबेस डाटाबेस टाको ओपन करिया पे सेरा यूज करा जाए तेणु बर्तमान सरला यूज कमांड राम सर एवं क्वेश्चन आसला हाउ वी विल क्रिएट द टेबल इनसाइड ए डाटाबेस गोटे डाटाबेस भितर आम टेबुल क्रिएसन केमी शिखा से विषय में पढ़ा तेणु तार टेबुल क्रिएसन जो कमांड था क्रिएट कमांड से कमांड विषय तुम जाच खाली गोटे लाइन में तुमको कहीदेवी दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट ए टेबुल ए टेबुल टाक गोटे डाटा आमर गोटे टेबुल टाक क्रिएट करने गोटे डाटाबेस भितर आमको कौन करा पड़ो ना आमको गोटे क्रिएट कमांड टाक आमको यूज करा पड़ो तेणु बर्तमान आम शिखा हाउ टू क्रिएट ए टेबुल
तार सिंटैक्स लिखिबा सिंटैक्स लिखि सला पर तार एग्जांपल को जिबा तो सिंटैक्स रा केमिति लेखाबा कि अधिक स्पेस दरकार पिला माने तो एगुडी को सेति पे तुमको इरेज कर दउची एगुडी को तमे ठीके मने रखितिबो आमे का विषय रे पढुचो सेगुडी को विषय रे तमे ठीके मने रखितिबो तो प्रथमे लिखिबा आमे सिंटैक्स लिखिबा सिंटैक्स ऑफ क्रिएशन टेबल क्रिएशन सिंटैक्स फॉर क्रिएशन टेबल क्रिएशन टेबल टा क्रिएट करिया पे कोन सिंटैक्स होचे से विषय रे आमे पढिबा तो फर्स्ट आसीबो सिंटैक्स कोन लिखिबा ना सिंटैक्स हला आगे तो माई एसक्यूएल रहइबो कन्फर्म माई एसक्यूएल रहला पर लिखा जइबो क्रिएट टेबल से बोलिया एंगल ब्रैकेट भितरे टेबल नेम एंगल ब्रैकेट भितरे टेबल नेम आउ सेमी कोलन दबनी खाली एंटर की प्रेस करइबो से टेबल टेबल नेम सेटा देइ साला पर एंटर की एबले जगह रे इमदी गुटे सिंबल टे आसीबो एई सिंबल एटा सब मन रखियो पिला माने एंटर की प्रेस करले तुम तल डाउन लाइन को पलि आसो कहीं तुमको अलरेडी कही सारी एंटर की ऑलवेज क्रिएट ए न्यू लाइन एंटर की सब गोटे नुआ लाइन टे क्रिएट करे तुम तल लाइन को आसला गोटे ब्राकेट टे दब ब्राकेट दे सारा कौन क्रिएट कर टेबुल क्रिएट कर टेबुल क्रिएट करने आमको आगे देखा पड़ो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फील्ड कतटा फिल्ड मुझे टेबुल भितर यूज करी से मतलब देखा पड़ो तेणु आगे आगे फिल्ड रा गुड़िक लिखा तापर फिल्ड रा डाटा टाइप लिखा तापर फिल्ड रा साइज लिखा ए भलिया नंबर ऑफ फील्ड आमे गुटे टेबल भितर जो यूज करबा से बिषय आमे लिखबा तनो प्रथमे लिखबा एठी फील्ड नेम हला एंगल ब्रैकेट भितर रखिले इतमे जेतु यूजर को सेटी वैल्यू पुट करिवार अछि फील्ड नेम परे डाटा टाइप ब्रैकेट भितर लिखा जीवो साइज केते टाइप रो केते साइज रो तमे यूज करिया चाहौ तापरे कोन करिवो गुटे कमा दबो कमा दे साला परे पुनी एंटर की प्रेस करिवो पुनी तळ लाइन को आसीबो आउ ब्रैकेट दबो नाही तापरे एडा फील्ड नेम 1 दैतिला तापरे लिखा जीवो फील्ड नेम 2 डाटा टाइप ब्रैकेट भितरे साइज पुनी कमा दे के एंटर एई भलिया पिला माने तुम जेतरा फील्ड चाहिबो तुम तयारी करि परिबो तयारी करि सारि कि प्रत्येक थर गोटे कमा दउथबो एंटर की प्रेस करथबो कमा दउथबो एंटर की प्रेस करथबो कमा दउथबो एंटर की प्रेस करथबो लास्ट को जते बेला हम गोटे एंड करबा को अछि धरंतु एटा होची लास्ट लाइन आउ ताकु तापर हम आउ फील्ड दबा नाही तो लास्ट रे कोन करियो ब्रैकेट दबो सेमी कोलन दबो एंटर की प्रेस करबो एटा तमे भलो भाव रे पिला माने लेखि लियो आगे सिंटैक्स ता लिखि लियो तापर ता विषय रे हम डिस्कशन करबा लिख सारा पिला माने एबे कोन करबा एबे हम से विषय डिस्कशन करिया देखो पिला माने आउतरे कहूची क्रिएट टेबल टेबल नेम दे सारा परे टेबल नेम जगह रे तुम जे कोन से विषय धरो तो हमें विजडम कॉलेज कहू तार हमें स्टूडेंट ऊपर टेबल बनई परबो हॉस्टल ऊपर बनई परबो टीचर्स मान को ऊपर बनई परबो लाइब्रेरी रे बनई परबो फाइनेंस रे बनई परबो जे कोन से पार्टिकुलर टेबल ऊपर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ऊपर तुम चाहिले तुम टेबल टे तयार करि परबो तुम सेई डिपार्टमेंट रो नाटा सेठी लिखिबो द्वितीय कथा जो टेबुल टा से टेबुल केतटा फिल्ड हम दैट विल बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ तुम निजे डिसाइड करिबो तुमले डिसाइड करिबो से टेबुल केतटा फिल्ड नेम लिखिबो से फिल्ड मानकर ना लिखा जइबो सेठी ए जो एंगल ब्रैकेट रे लिखिबार अर्थ तुमे ताकु तुमे कोन करिबो गुटे फिल्ड रो ना टा सेठी एंटर करिबो इट डजंट मीन दैट यू हैव टू राइट द नेम विद इन एंगल ब्रैकेट ता माने एया नो से तुमे एंगल ब्रैकेट भितरे लिखिबो तुमको से गुटे ना पुट करबा को अछि तुम यूजर को जो जगह ना पुट करबा को अछि से जगह रे वैल्यू गुड़ी को मु एंगल ब्रैकेट भितर सेठी लिखिछि तो फील्ड नेम दबो डाटा टाइप रो अर्थ कोन फर्स्ट ईयर पाठ मने पकाई दियो डाटा टाइप अर्थ जे गुटे धरो को मु लिखिबि मो नाटा लिखिबि तो सेटा की टाइप रो डाटा टाइप हबो मो एज ता लिखिबि सेटा की टाइप रो डाटा टाइप हबो मोर रोल नंबर लिखिबि सेटा की टाइप रो डाटा टाइप हबो त ए डाटा टाइप को बुझबा नियाति स माने दरकार त तुम फर्स्ट ईयर जे पाठ गुड़ी को पढ़ैतिलि से गुड़ी को तुम भलो भाबरे पढ़ि दियो तले हम सेकंड ईयर को हमर किछ असुविधा हबो नै तो जो डाटा टाइप लिखो डाटा टाइप के प्रकार अच्छी तुम जानते समस्ते गोटे न्यूमेरिक
गोटे कैरेक्टर आउट है कौन आउट है न्यूमेरिक कैरेक्टर आउट है डेट एंड टाइम अर्थात न्यूमेरिक स्ट्रिंग आउट डेट एंड टाइम तेनालीराम जो फिल्ड में न्यूमेरिक एंटर करवा तार डाटा टाइप गुड़िक दबा जो जो जगह स्ट्रिंग भैल्यू अर्थात कैरेक्टर अल्फाबेटिकल भैल्यू एंटर करवा से जगह स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा जो जगह डेसिमल भैल्यू फ्रैक्शन भैल्यू एंटर करवा डेट एंड टाइम भैल्यू इनपुट करवा से जगह डेट एंड टाइम डिक्लेयर करवा तेनालीरिक तुम भल भाव जान रखा दरकार जे डाटा टाइप कौन तार साइज कौन ये सब जिन भल भाव जान रखा दरकार तेनाली भैल्यू गुड़ी भल भाव में देदेलु तेल गोटे टेबुल टे क्रिएट हो काम है हाउ टू क्रिएट ए टेबुल तार आम एग्जांपल लिखा सिंटैक्स पे आम तार एग्जांपल लिखा एग्जांपल लिखा MySQL अच्छा पी मैंने आम तापर गोटे टेबुल टे क्रिएट कर ना जानवा कमी कौटा कौन धर तो आम लिखले टेबुल टे गोटे क्रिएट करवा टेबुल टे क्रिएट कला फिल्ड नवा फिल्ड नहीं गले फिल्ड रे आम कौन लिखा ना फिल्ड रे लिखा नेम एज क्लास रोल नंबर आती था नेम एज क्लास रोल नंबर आम लिख लु नेम एज क्लास रोल नंबर पर क्रिएट कर लिखा क्रिएट टेबुल टेबुल नेम टेबुल नेम कौन धरतु टेबुल ना है स्टूडेंट स्टूडेंट लिखा क्रिएट टेबुल स्टूडेंट लिख सर सेमिकलम दे देबा मन पड़ो ना कही क्रिएट टेबुल स्टूडेंट सेमिकलम दे देबा दे सर आसिबो कौन फील्ड फास्ट अच्छे ना फास्ट अच्छे नेम नेम अच्छा डाटा टाइप कौन हो पार कैर कि भारकेर आम लिख लु भारकेर साइज साइज दे देबा 20 कमा एंटर नेक्स्ट आसिबो नेम पर कौन अच्छी एज एटा दे देबा भारकेर साइज कते दे देबा साइज दे देबा 10 साइज दे 10 के 2 दवा कमा एंटर नेक्स्ट आसला एज पर कौन एज पर आसला क्लास भारकर साइज दे देबा 12 कमा एंटर तापर कौन आसला क्लास पर आसला रोल नंबर ते भारकर आसला साइज का दे देबा साइज दे देबा 10 लास्ट ब्रैकेट डेटा सेमिकलन एंटर आउ सेमिकलन आउ कमा सिंबल दरकार नहीं भाया देखे गोटे डाटाबेस टेबुल तैयारी पे लिखि निपर मुझे कह लिख सारा पी मैंने जब लिखि सार आम ये कौन करवा डिस्कसन करवा कमी गोटे टेबुल टे क्रिएट हो पाने जो नेम फिल्डा अच्छे नेम फिल्ड रे आम जो डाटा टाइप देने भारकार मुझे बारंबार जे स्ट्रिंग डाटा टाइप अर्थ जे से जगह आम क्यारेक्टर कि भार क्यारेक्टर भैल्यू इनपुट कर अल्फाबेटिकल भैल्यू इनपुट कर
ଆଉ ତାର ସାଇଜ ଦେଲି 20 ଅର୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ନେମ୍ ଭିତରେ ତୁମେ 20ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବ ତାଠୁ ଅଧିକ କରିପାରିବ ତାଠୁ କମ୍ କରିପାରିବ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପୁଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ 20 ଆଲଫାବେଟ 20 ଆଲଫାବେଟରୁ ଗୋଟେ ବି ଅଧିକା ତୁମେ ଲେଟର ତୁମେ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ ଏଭ୍ରି ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର 20 ଯୋଉ ଦେଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଲ୍ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସେସ୍ ଗିଭେନ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ନେମ୍ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସେସ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସେସ୍ ଧରିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 20ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏଜ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଏଜ୍ ହଉଛି ସେଟା ବି ସେଇ ସରି ଏଜ୍ଟା ମୁଁ ଭାର୍କର ନେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଭାର୍କର ନବାଟା ଆମେ ଏଜ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛ ନା ଏଜ୍ ଭିତରେ ଏଟାକୁ ନେଇଯିବା ଟାଇନି ଇଣ୍ଟ ନେଇଯିବା ଟାଇନି ଇଣ୍ଟ ହେଲେ ସାଇଜ୍ ନେଇଯିବା 2 ସାଇଜ୍ ନେଇଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ବାଲା ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିପାରିବା କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାସ୍ ଏଇଭଳିଆ 12ଟା ଆଲଫାବେଟ ସହିତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଲା ଭାର୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଆଲଫାବେଟ 10-10ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେଖିପାରିବା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅଲ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସେସ୍ ଅର୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆମେ ଟେବୁଲଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଟେବୁଲ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର କାମ ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟ୍ କମାଣ୍ଡ ସରିଗଲା କ୍ରିଏଟ୍ କମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବୁଝିସାରିଲେ କ୍ରିଏଟ୍ କମାଣ୍ଡ ପରେ ନେକ୍ସଟ କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଢିବା ଆମେ ସେ କମାଣ୍ଡଟା ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ସେ କମାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ସେ କମାଣ୍ଡ ହେଲା ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆମେ କମାଣ୍ଡ ପଢିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରିଏସନ୍ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟାବେସ୍ କିମ୍ବା ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ ପରଫର୍ମ ଥ୍ରି ସେପାରେଟ୍ ଅପରେସନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ଡିଲିସନ୍ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏସନ୍ ପାର୍ଟ ସରିଗଲା ଅର୍ଥ ଡାଟାବେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଟେବୁଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସରିଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ହାଉ ଟୁ ମଡିଫାଇ ଦ ଡାଟା ଇନ୍ ଏ ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଡାଟାବେସ୍କୁ କିମ୍ବା ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ କେମିତି ମଡିଫିକେସନ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡ କହିଲେ ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ଟରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଡିଟ୍ ଏଡିଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଡିଫିକେସନ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଅଲ୍ଟର ଅର୍ଥ ଏଡିଟ୍ ଏଡିଟ୍ର ଅର୍ଥ ମଡିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ମଡିଫିକେସନ୍ ୱାର୍କ ଆମେ ଏଥିରେ କରିପାରିବା ତେଣୁ ମଡିଫିକେସନ୍ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଲ୍ଟର ଭିତରେ 4ଟା କମାଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଅଲ୍ଟର ହେଜ୍ 4 ସବ୍ କମାଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟର ଭିତରେ 4ଟା ସବ୍ କମାଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଏଡ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଲା କ'ଣ ଅଲ୍ଟର ଏଡ୍ ପରେ ହେଲା ମଡିଫାଇ ନମ୍ବର 3 ହେଲା କ'ଣ ନମ୍ବର 3 ଅଲ୍ଟର ମଡିଫାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡ୍ରପ୍ ସରି 3ଟା କମାଣ୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ଟର ମଡିଫାଇ ଆଉ ନା 4ଟା ଅଛି ଅଲ୍ଟର ଏଡ୍ ଅଲ୍ଟର ମଡିଫାଇ ଅଲ୍ଟର ଡ୍ରପ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ରିନେମ୍ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ 4ଟା କମାଣ୍ଡ 4ଟା ସବ୍ କମାଣ୍ଡ ଆମ ଅଲ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟର ଏଡ୍ ଅଲ୍ଟର ମଡିଫାଇ ଅଲ୍ଟର ଡ୍ରପ୍ ଆଉ ଅଲ୍ଟର ରିନେମ୍ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଲ୍ଟର ଏଡ୍ କ'ଣ ଏଡ୍ର କାମ କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡରେ 4ଟା କମାଣ୍ଡ ଆମେ ପଢିଲେ ଅଲ୍ଟର ଏଡ୍ ଅଲ୍ଟର ମଡିଫାଇ ଅଲ୍ଟର ଡ୍ରପ୍ ଅଲ୍ଟର ରିନେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢାଗଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ନିଅ ଆଉ ଘରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ଅଲ୍ଟର କମାଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିନିଅ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଆମେ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କରିବା ହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ ଆମେ ସାରି ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଯଦି ଆମର ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସରିଯାଉଛି ଆମେ 50 ମାର୍କସ ଅଲରେଡି କଭର କରିସାରିଲୁଣି ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାସେ ଭିତରେ ସାରିଦେଇକି ଆମେ ରିଭିଜନ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ତ ପିଲାମାନେ କଥା ମାନ ଯାହା ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରୁହ ସେ ସେଫ୍ ସେ ହୋମ୍